अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धीए टीवी। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट करके बताया कि भारत वर्ष 2022 से 2026 के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुन लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ये भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों की बहाली का एक और अवसर है। गौरतलब है कि भारत साल 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार ICH समिति के सदस्य के रूप में पहले भी काम कर चुका है। यूनेस्को क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और इससे जुड़ा कन्वेंशन क्या है, यूनेस्को की ICH की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति क्या है, ये क्या काम करती है, अंतर सरकारी समिति के सदस्य के तौर पर भारत किन उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा, ICH के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय विरासत कौन कौन से हैं और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिशाओं में। सबसे पहले बात यूनेस्को की। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 193 सदस्य देशों वाले इस एजेंसी का गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति निर्माण के लिए काम करती है। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं। दूसरा सवाल कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये ऐसी प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल होती हैं जिन्हें समुदाय, समूह और कभी कभी व्यक्तिगत सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचानी जाती हैं। इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मौखिक परंपराएं, कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास और पारंपरिक शिल्प कौशल शामिल होते हैं। इसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए साल 2003 में यूनेस्को ने एक कन्वेंशन अपनाया था, जिसे अमूर्त विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को का अभिसमय यानी कन्वेंशन कहते हैं। यह कन्वेंशन साल 2006 में लागू हुआ था। इस कन्वेंशन को क्रियान्वित करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसका नाम है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति। इसी समिति का भारत अभी सदस्य चुना गया है। इस समिति में कुल 24 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार अभिसमय की आम सभा में चुना जाता है। इनका चुनाव 4 साल की अवधि के लिए किया जाता है। इस समिति के सदस्य के तौर पर या यूं कहे ये पूरी समिति मुख्यतः 3 बिंदुओं पर काम करेगी। वैश्वीकरण के कारण जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संकटग्रस्त हो गए हैं उनको सुरक्षित करने का काम करेगी। दूसरा, समिति ये सुनिश्चित करेगी कि समुदायों, समूहों और व्यक्तियों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को उचित सम्मान मिले। और तीसरा, समिति इन विरासतों के महत्व के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी। अब तक भारत के कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा चुका है। इनमें वैदिक जबकि परंपरा, रामलीला अथवा रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, राममन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान, मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक, कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य, छाऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप, मणिपुर का संकीर्तन, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन, योग, नवरोज, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा शामिल हैं। इनका लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने धरोहर शामिल हैं। हो सके तो कुछ धरोहरों के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।